मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वेस्टीज कृषि ज्ञान के एपिसोड नंबर 30 में। इससे पहले 29th एपिसोड में हम लोगों ने मटर की फसल में स्टेप नंबर 3 को डिस्कस किया था। मटर की फसल जिसके लिए दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी रहती है और अगर पीएच लेवल 6.5 से 7.5 के आसपास रहे तो पैदावार अच्छी होती है। आज हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की, और स्टेप नंबर 4 होता है जब फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है। तो 40 दिन की फसल में अर्थात 40 डेज आफ्टर सोइंग हम वेस्टीज एग्रीकल्चर के 3 प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि है वेस्टीज एग्री नैनोटेक। वेस्टीज एग्री नैनोटेक को हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं। ये मटर में बनने वाले दाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। वेस्टीज एग्री मॉस का प्रयोग करवा सकते हैं, इसको हम 1.5 ml प्रति लीटर या 15 लीटर के टैंक में 20 ml के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं, जो कि फ्लावरिंग को इम्प्रूव करने का काम करता है, फ्लावर्स को झड़ने से बचाता है। एंड तीसरा प्रोडक्ट है वेस्टीज एग्री 82, जिसको हम 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं, और ये एक एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर का काम करता है। तो दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, और आपके आसपास जहां भी मटर की खेती हो रही है आप वहाँ पे इस नॉलेज को शेयर करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार के टिप के साथ हम अगले एपिसोड में फिर से एपिसोड नंबर 31 में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड विश यू वेल।